प्रदेश सफाई कर्मचारी संघ का प्रदेश अध्यक्ष चुने जाने पर गोरखपुर पहुंचे अखंड प्रताप सिंह का सफाई कर्मियों ने विकास भवन परिसर में भव्य स्वागत किया तथा नव निर्वाचित अध्यक्ष का माल्यार्पण कर उनको सम्मानित किया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने विकास भवन के मुखिया मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह से मुलाकात की और उनका आशीर्वाद दिया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए अखंड प्रताप सिंह ने कहा, सब लोग बिना मास्क सारे लोगों पर सुन लेंगे। इतनी बड़ी जी 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 ये बहुत जरूरी है, उसमें उसको तुरंत हो जाएगा उसको जी, है ना, मतलब हेल्थ खराब होगी जी, ऐसे हमें वेलफेयर के लिए काम करना जी, ठीक है। आप अब बन गए, आप हमें खुशी है, आप हमारे साथ से करना जी जी, ठीक है जी। चलो जो भी आप कर्मचारियों के हित में 2 साल लगातार मैंने काम किया है, कर्मचारी ने मुझे दोबारा निवृत्त अध्यक्ष चुना है। निश्चित है कि कर्मचारियों की जो सोच है, मैं कर्मचारियों के लिए दिन रात उनके संघर्ष के साथ संघर्ष करता रहूंगा। उनकी जो भी मांगे हैं उसको मैं पूरा कराने के लिए, चाहे प्रमुख सचिव, चाहे मुख्य सचिव, चाहे मुख्यमंत्री से मुझे लड़ना पड़ेगा, सड़क से लेकर सदन तक मैं लड़ूंगा। और कर्मचारियों के हित के लिए 24 घंटा मैं समय देता हूँ, देता रहूँगा, और कर्मचारियों कहीं भी बाल बांका नहीं होने दूँगा। जी हमारे हमारी मांग में भी 800 जो मांग मैंने लगभग विगत कुछ वर्षों से चल रही है, जिसमें नंबर एक पर हमारा प्रमोशन है, प्रमोशन में सब कुछ हुआ, मात्र शासनादेश जारी करना है, और प्रधानों से जो मुक्ति की बात है उस पर भी हमारी वार्ता प्रमुख सचिव से चल रही है। उम्मीद है कि जल्द ही उसका समाधान होगा।